वेलकम एवरीवन, माय नेम इज रोहित बाबरा एंड आई एम फ्रॉम इंफ्रा ब्रिक। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ कैपिटल अथीना नोएडा एक्सटेंशन के अंदर सेक्टर वन में। इसकी यूएसपी क्या है? इसकी यूएसपी है कि ये सेंट्रल नोएडा के बिल्कुल लगा हुआ ये प्रोजेक्ट है और ये आता नोएडा एक्सटेंशन में, यहीं से नोएडा एक्सटेंशन स्टार्ट होता है। गौर सिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो हार्डली 2 किलोमीटर पे है, तो ये 0 किलोमीटर फ्रॉम नोएडा कहलाता है। इसके आसपास की विसिनिटी की बात करता हूँ तो आपको कॉलेज, मॉल, कमर्शियल सेंटर, शॉप्स वगैरह बिल्कुल सामने ही मिल जाता है। राइज का पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पे गोल्फ कोर्स है, ये सारी चीज़ आपको आसपास मिल जाती है। अगर इसके नेबर्स प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूँ तो सीआरसी का प्रोजेक्ट है, एटीएस का प्रोजेक्ट है, सामने राइज है, स्प्रिंग है, ये सारे प्रोजेक्ट आपको आसपास मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि नोएडा एक्सटेंशन का सबसे प्राइम, या कह सकते हैं वन ऑफ द प्राइम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट आता है। टू साइड ओपन ये प्रोजेक्ट है। चलिए, तो आसपास की बात हो जाती है, अब दूसरी बात करते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या-क्या यूएसपीज हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर फ्लैट की 11 फीट की सीलिंग हाइट है। डोर की हाइट की अगर मैं बात करता हूं तो 8 फीट डोर हाइट मिलेगी आपको। 22 फीट का आपको लॉबी एंट्रेंस मिलेगा जो कि डबल हाइटेड कहलाता है। 11 टावर हैं टोटल इसमें, 8.5 एकड़ में ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। 7 टावर्स आपके पजेशन मिलने वाला है, जिसमें 3 टावर आपको अभी 3 महीने के अंदर और 4 टावर आपको इसी साल दिवाली पे डिलीवर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट आपको ये रेडी टू मूव मिल रहा है। जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस प्रोजेक्ट का वो है उसका, ये एसबीआई फंडेड प्रोजेक्ट है, यानी एसबीआई लोन कर रहा है या जितने भी प्रोमिनेंट गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, सभी यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं, सभी यहाँ पे लोन कर रहे हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरा प्लस पॉइंट यहाँ की आपका जो टोटल प्रोजेक्ट है ये पोडियम बेस्ड है, जो कि 7.5 एकड़ में पोडियम बेस्ड फैला हुआ है। तीसरी बड़ी चीज है ओपन स्पेस मिल जाता है यहाँ पे 4 एकड़ का। आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किसी से भी कॉम्पीट करेंगे बड़े बिल्डर से तो आप कोई डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। अगर मैं क्लब हाउस की बात करता हूं, क्लब हाउस है आपका इसमें 38,000 स्क्वायर फीट का, काफी बड़ा, जकूजी, स्पा, स्विमिंग पूल, जिम, हर एक वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है। सो प्राइस की अगर मैं बात करता हूं तो प्राइस मैं मेंशन करूंगा इस वीडियो के एंड में, तो आप जाके देखिएगा, कोई भी बिल्डर इस प्राइस से कॉम्पीट नहीं कर सकता अगर वो रेडी टू मूव कंडीशन में है तो। सो जिस फ्लैट में हम खड़े हैं 2790 स्क्वायर फीट का है, ये 4 BHK प्लस सर्वेंट है। तो चलिए टूर करते हैं इसका। तो मेरे राइट में सबसे पहले आता है सर्वेंट रूम, एंटर करते ही विद अटैच वॉशरूम। अगर मैं ये इस तरफ जाता हूं तो पहला बेडरूम आता है, सबसे पहले 8 फीट की इसकी डोर की हाइट है। ये आपका बेडरूम है, आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है। मैं इधर जाता हूं तो वॉक इन क्लोजेट आ जाता है इस तरफ, और इस तरफ ही आ जाता है आपका वॉशरूम। ह्यूज स्पेशियस आपको ये लिविंग एरिया मिल जाता है, जिसमें आपका ये ड्राइंग एरिया आ जाता है, ये आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है, सामने आपको बालकनी मिलती है, काफी स्पेशियस इसको बनाया है। इधर अगर मैं आता हूं अपना डाइनिंग एरिया के जस्ट सामने हम किचन दे रहे हैं, किचन भी काफी स्पेशियस है विद अटैच बालकनी। दूसरा बेडरूम, सॉरी, ये आपका दूसरा बेडरूम आ जाता है विद अटैच वॉशरूम एंड विद अ बालकनी। अगेन जो बेस्ट पार्ट है इस चीज में, ये डोर हाइट है 8 फीट मिलता है, जो कि एक प्रीमियमनेस ऐड करता है। दूसरी चीज सीलिंग हाइट जो कि 11 फीट की है, जो कि एक प्रीमियमनेस ऐड करती है, एक ओपननेस ऐड करती है फ्लैट के अंदर। ये आपका स्पेशियस बेडरूम विद क्लोजेट एंड वॉशरूम, एंड आपको यहां पे भी देखेंगे आपको बालकनी मिलेगी। बालकनी के बाहर का व्यू पूरा कमर्शियल एंड विलास का आता है। इस तरफ आ जाते हैं तो ये किड्स रूम कह सकते हो आप इसे, स्पेशियस है विद अटैच बालकनी है, क्लोजेट के लिए हमने ये दिया हुआ है, तो ये आप अपना इसको एक किड्स रूम बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2790 में हमने बहुत ही डिसेंट साइज निकाले हैं। डिसेंट साइज निकालने की वजह सिर्फ एक ही थी, क्योंकि हमने यहां पे बहुत ही कम लोडिंग दी है। तो आप देख सकते हैं कितना ओपन स्पेस मिल रहा है आपको 2790 स्क्वायर फीट में, जो कि है 4 BHK प्लस सर्वेंट। We'll be right back.
We'll be right back.